बेस्ट एन्चेंटमेंट्स इन माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के बेस्ट एन्चेंटमेंट्स मतलब आर्मर और टूल्स के बारे में, मतलब कि आर्मर और टूल्स को एन्चेंट करके आप कैसे उसको गॉड आर्मर बना सकते हो, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और मैं आज एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करने वाला, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन सभी चीजों को यहाँ पे रखा है, और इन सभी चीजों को एन्चेंट करने का और एन्चेंट क्या क्या करोगे और वो क्या क्या काम करता है, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और एक्सप्लेन करूंगा, मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज क्या काम करता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूं। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे देखेंगे, सबसे पहले देखो आपको एक आर्मर और टूल्स आप डायमंड का है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करना, एक एक नेदरराइट ले लेना, नेदरराइट तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ऊपर आई बटन पे देख लेना, मैं देने की कोशिश करूंगा हाउ टू फाइंड एंशिएंट डेब्री, तो उस वाले वीडियो को देख लेना। तो चलो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आपके पास डायमंड के टूल्स होंगे ना तो यहाँ पे स्मिथिंग टेबल के पास आ जाना, उसके बाद यहाँ पे डायमंड के टूल्स को रखना या फिर आर्मर को रखना, उसके बाद यहाँ पे नेदरराइट का एक इंगट रखना, उसके बाद देखना यहाँ पे जो आपको नेदरराइट के टूल्स मिल जाएंगे, आर्मर और टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके सिंपली आप नेदरराइट पे अपग्रेड कर सकते हो, है ना। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर्मर के ऊपर, ठीक है। तो आर्मर पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट। ओके, तो सबसे पहले देखो हेलमेट पे हम लोग 5 एन्चेंटमेंट्स लगा सकते हैं, तो हेलमेट को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हेलमेट पे हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन 4 लगाने से जो है मॉब अगर आपको मारता है तो आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, आपका हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन नहीं होने देता, तो ये जो आप समझ ही सकते हो प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है आपको। तो नेक्स्ट हमारा एन्चेंटमेंट है और वो है रेस्पिरेशन 3, तो इस पे हम लोग लगा लेंगे रेस्पिरेशन 3। एंड रेस्पिरेशन 3 का मतलब है कि आप पानी के अंदर जितना मतलब वाटर ब्रीथिंग मतलब नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं जाऊं पानी के अंदर तो मैं थोड़े टाइम बाद मैं मर जाऊंगा, तो अगर आपने रेस्पिरेशन लगा लोगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बहुत देर तक सांस रोक के रख सकता हूँ, तो ये इसका ये काम है। तो अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो रेस्पिरेशन लगा लेना, तो इससे जो है आप पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैंने इसको हटा दिया तो देखो कितनी मतलब तेजी के साथ यहाँ पे जो है मेरा बबल जो है वो घटे जा रहा है। तो अगर मैं इसको पहन लूंगा तो देखो एक बबल को घटने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि आप पानी के अंदर थोड़ी देर तक यहाँ पे सांस रोक के रख सकते हो, तो रेस्पिरेशन का काम यही है। तो हमारा अगला एन्चेंटमेंट है एक्वा इन्फिनिटी, तो इसका भी वही काम है, पानी के अंदर आप ज्यादा देर तक रह सकते हो, ठीक है, मतलब सांस रोक के रह सकते हो। तो अगला देखते हैं, अगला एन्चेंटमेंट है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग का मतलब ये ज्यादा देर तक टिकता रहेगा, ठीक है, ज्यादा देर तक टिकेगा और बहुत जल्दी जो है ये टूटेगा नहीं। और अगला है मेंडिंग, तो मेंडिंग का काम है ये कि अगर मान लो कि ये जो है सबसे पहले एन्चेंट कर देते हैं, तो अगर मान लो ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, मतलब ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा घट चुका है, तो इसको जो है आप एक्सपी के जरिए आप इसको वापस से रिपेयर कर सकते हो, तो या इसका यही काम है। तो इसी के साथ ये वाला हेलमेट हो चुका है एकदम पावरफुल और एकदम गॉड लेवल। एंड नाउ हम लोग बात करते हैं चेस्ट प्लेट पे आप लोग क्या क्या एन्चेंट कर सकते हो। तो चेस्ट प्लेट पे हम लोग 4 एन्चेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 एन्चेंट के सबसे पहले है प्रोटेक्शन 4। तो प्रोटेक्शन 4 मैंने पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि प्रोटेक्शन 4 का क्या काम है, ज्यादातर आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग का है कि ये ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मतलब तेजी से ये डैमेज नहीं होता और टूटता नहीं है ज्यादा तेजी के साथ, थोड़ी देर यहाँ पे बहुत देर तक ये टिकता है। तो अगला है हमारा मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब है कि अगर ये डैमेज हो जाता है तो आप एक्सपी के दौरान इसको आप रिपेयर कर सकते हो। एंड नाउ ये ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन आप लगाना नहीं चाहते हो तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वैसे भी पावरफुल हो चुका है। तो वो है ये वाला, ठीक है, थॉर्न 3। तो चलो सबसे पहले एन्चेंट करते हैं, उसके बाद बताता हूँ इसका काम क्या है। ओके, तो मैंने इसको एन्चेंट कर लिया, तो ये देखो इसी के साथ है जो है यहाँ पे लग चुका है प्रोटेक्शन 4, थॉर्न 3, अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग। तो थॉर्न्स का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपने इसको पहन लिया और आपके सामने कोई मॉब आ रहा आपको मारने के लिए, तो उसने अगर आपको हिट कर दिया तो आपको जो भी मतलब डैमेज मिलेगा ना साथ में उसको भी वही डैमेज मिलेगा। मतलब अगर आपको एक हिट पे 10 आपके डैमेज होता है तो 10 उसके भी डैमेज हो गया, मतलब इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मॉब मार रहा है तो उसके बदले उसको भी वही डैमेज होगा जो आपको हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये भी हो चुका है चेस्ट प्लेट का एन्चेंटमेंट। अभी हम लोग बात करेंगे लेगिंग्स के ऊपर। तो लेगिंग्स पे हम लोग 4 एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्रोटेक्शन 4। प्रोटेक्शन 4
ओके, मैं थोड़ी देर पहले बताया तो अभी मैं बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। इसका जो है प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अनब्रेकिंग 3। अनब्रेकिंग 3 का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। एंड नाउ हम लोग लगाएंगे मेंडिंग। तो अगला ये जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अगर आप लगाना नहीं चाहते तो वैसे भी ये जो है ये पावरफुल बन चुका है। तो ये जो 1.19 में आया है स्विफ्ट स्निक, इसको आप बना नहीं सकते, ना ही आप किसी विलेजर से इसको ट्रेड करके ले सकते हो। इसको लेने के लिए, इसको पाने के लिए आपको जाना होगा एंशिएंट सिटी में, वहां पे आपको स्विफ्ट स्निक जो है 3 स्विफ्ट स्निक वाला एंशिएंट आपको इजीली मिल जाएगा, तो वहां से आपको कलेक्ट करके लाना होगा। तो चलो इसी के साथ हमारा जो है लैगिंग्स पे एंशिएंट हो चुका है। अभी बात करते हैं स्विफ्ट स्निक 3 पे, मतलब स्विफ्ट स्निक के बारे में। तो अगर आप क्राउच करते हो, ये नॉर्मली क्राउच के ऊपर ये डिपेंड मतलब काम करता है। तो अगर मैं नॉर्मली क्राउच करके ऐसे करके चलूंगा तो देखो यार कितना ज्यादा मैं स्लो यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा वहां पे उस बोर्ड पे, तो यहाँ पे देखो कितना टाइम ले रहा है भाई ये। और अगर मैं इसको पहन लेता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे कितनी तेजी से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। लाइक मैं चलूंगा ना ऐसे करके तो यहाँ पे जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं चल रहा हूँ या फिर क्राउच होकर चल रहा हूँ। तो यही है स्विफ्ट स्निक का काम। तो इसी के साथ हमारा लैगिंग्स एंचेंटमेंट हो चुका है। अभी बात करते हैं हम लोग बूट्स पे। तो बूट्स पे हम लोग लगा सकते हैं, ये टोटल यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं 7 एंचेंटमेंट सब इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्रोटेक्शन 4। तो प्रोटेक्शन की बात आपको समझ में आ ही चुका होगा क्या काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं तो फेदर फॉलिंग 4। ये फेदर फॉलिंग 4 एक्चुअली काम करता है, अगर आप बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से अगर आप गिरते हो तो ये नॉर्मली आपको बचा देता है, डैमेज बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से जंप करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को देखो कितना डैमेज मिलता है। तो यहाँ पे मेरे को 2 डैमेज मिला, ठीक है, मतलब 2 हार्ट मेरा यहाँ से चला गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको पहनते हैं। ओके, तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें कितना डैमेज मिलता है। मैंने फेदर फॉलिंग 4 को मैंने पहन लिया है, अभी देखते हैं। बिना हमें बस थोड़ा सा डैमेज मिला, हमें इतना भी डैमेज नहीं मिला, बस हाफ फट मेरा चला गया था, ठीक है। ओके, तो चलो अभी करते हैं डेप स्ट्राइडर। एंड नाउ डेप स्ट्राइडर एक्चुअली काम ये करता है, अगर आपने इसको पहन लिया तो नॉर्मली अगर आप मतलब ये स्विमिंग करने के काम आता है, ठीक है। अगर मान लो कि डेप स्ट्राइडर को आपने नहीं पहना है, तो अगर मैं स्विम करता हूँ तो देखो कितना स्लो स्लो मैं स्विम करता हूँ, ठीक है। कैसे मैं स्लो स्लो स्विम कर रहा हूँ भाई साहब। अगर मैंने डेप स्ट्राइडर को पहन लिया, डेप स्ट्राइडर 3, तो मैं देखो कितना ज्यादा स्पीड, थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ये देखो कितना ज्यादा मैं पानी के अंदर मैं कितना तेजी से मतलब थोड़ा बहुत तेजी से मैं चल पा रहा हूँ, ठीक है। डेप स्ट्राइडर मतलब ये एक्चुअली यही काम है, पानी के अंदर आपका स्पीड जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या एंचेंट है। तो आगे है हमारा ये वाला एंचेंटमेंट जो है सोल स्पीड 3। तो सोल स्पीड का काम ये है कि अगर आप मान लो देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना स्लो स्लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपने सोल स्पीड 3 अपने लगा लिया है और फिर आपने सोल सैंड या फिर तो सोल सॉइल और सोल सैंड के ऊपर अगर आप चलते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा स्लो स्लो मैं चल रहा हूँ। बट अगर आपने सोल स्पीड वाला बूट अगर नहीं पहना तो आप और स्लो हो जाओगे यहाँ पे चलोगे तो। बट अगर आपने इसको पहन लिया तो भैया देखो कितना ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ये देखो भाई कितना तेजी से हम लोग यहाँ पे सफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं ऐसे करके चला जाता हूँ, देखो मतलब सोल स्पीड अगर आपने लगा लिया है तो सोल सैंड और सोल सॉइल के ऊपर अगर आप चलोगे तो ये जो है स्पीड इंक्रीज कर देता है बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ। और अगला है ये फ्रॉस्ट वर्कर, मतलब ये जो है ये मतलब डेप स्ट्राइडर अगर आपने लगा लिया है तो ये जो है फ्रॉस्ट वर्कर आप लगा नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये जो है एक्चुअली नॉर्मली क्या काम करता है, ये आप पानी के साइड पे जाओगे तो ये जो पानी जो है फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब आइस बन जाएगा और पानी के ऊपर भी आप चल सकते हो। बट ज्यादातर लोग जो है फ्रॉस्ट वर्कर यूज करते नहीं है, डेप स्ट्राइडर को ही यूज करते हैं। तो मैं भी यूज करता नहीं हूँ वैसे, तो इसको बात नहीं करते। तो चलो अभी बात करते हैं अनब्रेकिंग और मेंडिंग हम लोग इस पे लगा सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे अगर आपने अनब्रेकिंग लगा लिया तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा कम ड्यूरेशन मतलब घटेगा, मतलब ये डैमेज होगा बहुत ही ज्यादा कम करके। और आपने जो है मेंडिंग आपने लगा लिया तो अगर ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है तो आप जाके एक्सपी फार्म में जाके इसको जो है एक्सपी के दौरान रिपेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने जो है बूट को भी इंचेंट कर लिया बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल का। तो चलो अभी बात करते हैं अलाइट्रा पे। तो अलाइट्रा को इंचेंट करने का बस 2 ही इंचेंट होता है, एक होता है अनब्रेकिंग और दूसरा होता है मेंडिंग, बस और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे हो गया भाई, ये तगड़ा हो गया, ये ना तो टूटेगा धीरे, मतलब ये टूटता नहीं एक्चुअली। अगर ड्यूरेशन घट जाता ना बहुत तेज तो ये जो है टूट फूट के आपके पास ही रहता है, ये गायब नहीं होता। और फिर जाके आप एक्सपी फार्म में जो है इसको एक्सपी के दौरान आप रिपेयर कर सकते हो। तो बस यही है इसका, और ज्यादा कुछ होता नहीं है इससे। और अभी बात करते हैं चलो शील्ड पे। तो शील्ड पे भी 2 हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, एक है अनब्रेकिंग
और दूसरा है मेंडिंग। हो गया भाई, इसको मतलब अगर आप ऐसे करके जाओगे किसी मॉब के सामने और वो आपको मार रहा है तो ये जो है ये शील्ड आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करके ये टूटेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बहुत देर तक टिकेगा। और अगर ये टूट भी जाएगा ना तो ये वापस से रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मॉब को मारोगे तो उससे एक्सपी मिलेगा और एक्सपी के दौरान ये रिपेयर भी होता रहेगा। तो गाइस इसी के साथ हमने पूरा का पूरा जो है आर्मर पे हम लोगों ने बात कर दिया और अभी स्विच करते हैं हम लोग टूल्स पे। तो मैंने ऑलरेडी जो है टूल्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग एक के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो शॉर्ट पे हम लोग बात करते हैं, इन सब पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है तो आप उसको देख लेना। तो चलो अभी बात करते हैं शॉर्ट पे। ओके तो सबसे पहले देखो शॉर्ट पे हम लोग किसी एक इंचेंट को कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं या तो शार्पनेस 5 या तो स्माइट 5 या फिर बैन ऑफ अर्थोबोट। तो इनमें से किसी एक को हमें चुनना होगा, तीनों को एक साथ हम लोग लगा नहीं सकते। स्माइट का एंचेंटमेंट अगर आप करते हो तो ये जो है अनडेड मॉब्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि मान लो अनडेड मॉब्स बोले तो विदर बॉस, विदर स्केलेटन, स्केलेटन ये सब। अगर आप उनको शार्पनेस वाले एंचेंटमेंट से मारोगे तो ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे दो हिट पे मरेगा। स्माइट 5 से अगर आप उसको मारोगे तो एक हिट पे ही मर जाएगा वो। तो ये होता है स्माइट का एंचेंटमेंट, मतलब स्माइट का काम। और बैन ऑफ अर्थोबोट आप स्पाइडर और केव स्पाइडर के ऊपर ही बस हो गया भाई, उसके ऊपर ही आप लागू कर सकते हो, इससे ज्यादा तेजी के साथ वो मरेगा। बैन ऑफ अर्थोबोट 5 की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो शार्पनेस ही लगा लेना, क्योंकि ये सभी मॉब्स के ऊपर ज्यादातर काम करता है। इसका धार जो है बहुत ही गंदा वाला धार बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आप देखो इसको मैं एक हिट मारूंगा ऐसे करके तो ये मर जाएगा। अभी नेक्स्ट और एंचेंटमेंट करते हैं जिससे ये और पावरफुल बन जाएगा। तो अगला एंचेंटमेंट है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग का पता अभी तक आपको चल ही गया होगा क्या ये काम करता है, तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधा नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है फायर एस्पेक्ट 2। तो इसका ये बेसिकली काम ये है कि अगर देखो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो एक काव को मारा तो देखो यहाँ पे क्या मीट मिला, मेरे को रॉ मिला, ठीक है। बट अभी देखो यहाँ पे मैं एक काव को मारूंगा तो मेरे को जो है पके हुए मीट मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने उसको मारा तो यहाँ पे जो आग जल गया, ठीक है, आग लग गया उस पे, और जिससे मुझे पके हुए जो है खाना मिल गया। तो ये बेसिकली आप इसके ऐसे करके काम कर सकते हो, इससे जो आपका कोल बच जाएगा और मॉब्स को भी डैमेज बहुत ज्यादा गंदा वाला मिलता है इससे, ठीक है। अगला है नॉक बैक। तो चलो अभी नॉक बैक का काम ये है कि आप मान लो किसी मॉब को मार रहे हो, ठीक है, तो मॉब को मारने के बाद वो थोड़ा दूर चला जाता है, खिसक के थोड़ा दूर चला जाता है। अगले पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा लूटिंग 3। लूटिंग 3 का काम ये है कि आपको डबल से ट्रिपल आपको चीजें मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है काम कर सकते हो, इस पे आप लगा के आप ट्राइडेंट का मतलब ले सकते हो, किसी ड्राउन को मारोगे जिसके हाथ पे ट्राइडेंट होगा तो अगर आप उसको मारोगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा कि आपको ट्राइडेंट मिल जाएगा लूटिंग 3 अगर आप किसी ड्राउन को मारोगे। और विदर बॉस को भी अगर आप लूटिंग 3 से मारोगे, मतलब सॉरी विदर स्केलेटन को भी अगर आप लूटिंग 3 से मारोगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको उसका जो स्केलेटन का हेड जो है आपको वो मिल जाएगा। अगला है मेंडिंग। तो मेंडिंग का इस्तेमाल मतलब आपको समझ ही गया होंगे कि मेंडिंग का क्या मतलब है। वेपन्स के तौर पे मैं सॉर्ड को ही मैं बता रहा हूं, अगला बहुत सारे मतलब ऐसे और भी 5 ऐसे है, मतलब अभी भी 4 वेपन्स है बट उनमें से मैंने 3 को बताया नहीं है, उसका एक क्योंकि मैंने उसका एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, इसलिए मैंने आपको टाइम वेस्ट ना करूं, इसलिए फटाफट अभी टूल्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये है हमारे टूल्स। तो ये देखो बहुत सारे टूल्स है भाई, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिकैक्स के ऊपर। तो पिकैक्स पे हम लोग इतने सारे इंचेंट कर सकते हैं, तो पिकैक्स पे हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे Efficiency 5 का ये काम है कि आप नॉर्मली किसी ब्लॉक को अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे रख दिया कॉबल स्टोन, तो मैं इस वाले लाइन को जो है मैं नॉर्मल पिकेक्स से तोड़ूंगा और इस वाले लाइन को मैं तोड़ूंगा जो है एफिशिएंसी 5 से। तो चलो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल पे, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा मतलब स्पीड है, बट उतना नहीं है, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे तो मतलब थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा, मतलब टाइम लगेगा, सॉरी टाइम मिलेगा क्या, बट अगर मैंने इसको एफिशिएंसी 5 से अगर तोड़ा तो ये देखो भाई कितना तेजी के साथ मैं इसको तोड़ सकता हूँ भाई, देख सकते हो। बस थोड़ी देर में ये सारे के सारे जो मैंने ब्लॉक्स को रखा था ना वो सभी टूट चुका है। अगला है अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग आप इस पे लगा लेना, इससे जो है इसका ड्यूरेशन जो है मैं बात करके के मैं थक चुका हूँ भाई। तो अनब्रेकिंग का काम ये है कि इसका जो है ड्यूरेशन थोड़ा बहुत कम मतलब बढ़ा देता है, मतलब ये जो है आसानी से टूटता नहीं है, बहुत देर तक ये टिकता है। नेक्स्ट आप इस पे लगा सकते हो सिल्टस या फिर फॉर्चून 3, दोनों एक साथ लगा नहीं सकते। तो एक काम करना, एक पिकैक्स पे लगा लेना फॉर्चून वाला एंचेंटमेंट और एक पिकैक्स पे लगा लेना
ना सिल्क टच वाला एंचेंटमेंट, बस हो गया भाई। सिल्क टच भी काम में आएगा, बहुत ज्यादा काम में आता है ओर्स वगैरह तोड़ने में, ठीक है, और फॉर्चून भी ओर्स वगैरह तोड़ने में काम आता है। चलो आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं फॉर्चून वाला पिकेक्स से। अभी जो है यहाँ पे बेंडिंग भी हम लोग लगा सकते हैं। अभी देखो फॉर्चून वाला जैसे पिकेक्स आपने एंचेंटमेंट करा है तो वैसे सेम प्रोसेस से आपको इसको भी एंचेंट करना होगा सिल्क टच वाला। तो ये जो है सबसे पहले आपको इस पे लगाना होगा एफिशिएंसी 5, उसके बाद यहाँ पे लगाना होगा अनब्रेकिंग 3, एंड उसके बाद लगाना होगा मेंडिंग, एंड देन इस पे लगा सकते हो आप सिल्क टच। बस हो गया काम। ओके तो चलो अभी दोनों पे बात करते हैं, दोनों क्या क्या काम में आता है। तो सबसे पहले देखो सिल्क टच हमारे पास है और फॉर्चून 3 भी हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने दो लेयर मैंने लाइन लगा दिया है डायमंड ओर का, ठीक है, डायमंड ओर मैंने लगा दिया है। तो सिल्क टच का काम ये है कि आप किसी ओर को अगर आप तोड़ते हो, जैसे कि इसको मैंने तोड़ा, तो ये आपको मतलब ब्लॉक के रूप में आपको मिल जाएगा, पूरा ब्लॉक ही आपको मिल जाएगा। कंपेयर करूं नॉर्मल पिकेक्स से अगर आपने इसको तोड़ा तो आपको बस एक ही डायमंड मिलेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्चून 3 से अगर आपने इसको तोड़ा तो भैया देखना यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे आपको डायमंड मिलता रहेगा। ये देखो भाई, ये देखो कितने सारे मेरे को डायमंड मिल चुका है फॉर्चून 3 से। तो इसको अगर आपने नॉर्मल पिकेक्स अगर आप तोड़ते हैं ना तो आपको 11 डायमंड मिलते हैं, लेकिन फॉर्चून 3 के इस्तेमाल से हम लोगों को मिला कितना, 26 डायमंड्स। तो ये है फॉर्चून 3 का काम। अभी चलो बात करते हैं एक्स पे। तो एक्स पे हम लोग इतने सारे एंचेंटमेंट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक्स पे लगाएंगे एफिशिएंसी 5। तो एफिशिएंसी 5 का ये काम है कि आपका जो पेड़ काटने का जो रफ्तार है ना उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मान लो मैं इस पेड़ को काटता हूँ तो ये देखो भाई कितना तेजी से मैं पेड़ को काट सकता हूँ। ये देखो बस हो गया, पेड़ कट गया भाई साहब। ये जो है ये इसका काम है। ये देखो मैं कितनी तेजी के साथ यहाँ पे जो पेड़ काट सकता हूँ। तो एफिशिएंसी 5 का यही काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ इसको काट सकते हो। तो ये देखो भाई साहब कितना तेजी के साथ मैं इसको काट सकता हूँ। नेक्स्ट है अनब्रेकिंग। तो आप इस पे अनब्रेकिंग लगा लेना, इससे जो है ये जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे इस पे मेंडिंग। नेक्स्ट है सिल्क टच और फॉर्चून 3। तो इस पे किसी एक को आपको चूज करना होगा, या तो सिल्क टच या फिर मेंडिंग। आप अपने अपने हिसाब से जो है इसको इंचेंट कर सकते हो, या तो सिल्क टच लगा सकते हो या फिर फॉर्चून 3, दोनों को एक साथ लगा नहीं सकते। मैं ज्यादा सिल्क टच ही लगाता हूं, रिकमेंड करता हूं सिल्क टच लगा लेना। फॉर्चून 3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके ऊपर है आप क्या लगाते हो। ये आप सॉर्ड के ऊपर भी आप सॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे आप एक काम करना, शार्पनेस या फिर स्माइट या फिर बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड, ये तीनों में से एक किसी एक को चूज करके लगा लेना है। पर ज्यादातर तो लोग जो इस पे भी शार्पनेस को ही लगाते हैं, तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पे जो है शार्पनेस को ही लगा लेना, क्योंकि ज्यादातर इसको आप शॉर्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एंचेंटमेंट खत्म, और इसी के साथ हमारे पास एक पावरफुल एक्स भी आ चुका है। अभी बात करते हैं शवल पे। तो शवल पे हम लोग टोटल 5 एंचेंटमेंट कर सकते हैं, मतलब 4 एंचेंटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एफिशिएंसी 5, और इसका ये काम है कि ये जो है ये माइन करने का, मतलब ब्लॉक्स को, मतलब ग्रास को तोड़ने का जो रफ्तार है ना इसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे, ये देखो भाई साहब ऐसे अगर आप घुमाओगे ना तो ये देखो ये थोड़ी देर में इतना ज्यादा ये डीप यहाँ पे माइन कर देगा। तो ये एक्चुअली इसका जो रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अगला है हमारे पास अनब्रेकिंग। तो अनब्रेकिंग भी इस पे लगा लेना, इससे जो है थोड़ा देर से ये टूटेगा। अगला है मेंडिंग, और इस पे मेंडिंग भी लगा लेना भाई। अगला है सिल्क टच या फिर फॉर्चून 3। तो आप इनमें से किसी एक को चूज करके आपको रखना होगा। मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ आप इस पे सिल्क टच लगा लेना, इससे जो है आप जब डर्ट को तोड़ोगे तो डर्ट ब्लॉक आपको इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो खैर इसी के साथ हमारे पास हो चुका है एक पावरफुल शवल भी हो चुका है हमारे पास। और अभी बात करते हैं एक हो पे। तो हो पे हम लोग टोटल 4 एंचेंटमेंट कर सकते हैं जस्ट लाइक शवल। तो सबसे पहले हो पे हम लोग लगाएंगे एफिशिएंसी 5, एंड उसके बाद हम लोग लगाएंगे अनब्रेकिंग 3। मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ अभी इस पे, क्योंकि आपको पता ही है एफिशिएंसी का काम है, इसका जो रफ्तार है वो, मतलब तोड़ने का जो रफ्तार है ये ज्यादातर इंक्रीज कर देता है, और अनब्रेकिंग का काम है ये जो टूटता नहीं है, ज्यादा देर तक ये टिकता है। उसके बाद अगला है मेंडिंग। तो मेंडिंग का काम है जब ये टूट जाएगा बहुत ही ज्यादा गंदा वाला, तो आप जाके एक्सपी फार्म में चले जाना या फिर किसी मॉब को मार लेना जिससे आपको एक्सपी मिलेगा, और उस एक्सपी से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। एंड नाउ अभी आप इनमें से दो किसी एक को चुनना होगा, जो है सिल्क टच और फॉर्चून 3। आपके ऊपर है आप इनमें से क्या चूज करते हो। तो मैं ज्यादातर मैं दो रिकमेंड करता हूँ, दो हो बना लेना, सिल्क टच एक पे लगा लेना और एक पे लगा लेना फॉर्चून 3। फॉर्चून 3 अगर आप लगा लेते हो तो आप जब फसलों को तोड़ोगे ना, फॉर्चून 3 अगर आपके पास होगा मतलब, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारे पास एक आ चुका है पावरफुल हो। एंड नाउ अभी बात करते हैं फिशिंग रॉड पे। तो फिशिंग रॉड पे हम लोग 4 एंचेंटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एंचेंटमेंट है वो है लक ऑफ द C3। तो लक ऑफ द C3 का ये काम है कि ये जो है, मतलब आप जब फिशिंग करते हो से आपको जो है ट्रेजर
एन्चेंटमेंट वगैरह जो है ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेंडिंग हो गया, अनब्रेकिंग हो गया और ऐसे ही। अगर आपके पास ये एन्चेंट नहीं है तो आप एक काम करना, नॉर्मली जो है एक फिशिंग रॉड बना लेना, उसके बाद आप चले आना समंदर में, वहां पे थोड़ी देर जो है एक दिन पूरा मतलब माइनक्राफ्ट के हिसाब से पूरा एक दिन जो है फिशिंग करना, देखना आपको लक ऑफ द सी जो है 3 भी मिल जाएगा और आगे के जो भी एन्चेंटमेंट बताऊंगा वो भी आपको मिल जाएगा। और अगला हम लोग एन्चेंट की बात करें तो अगला एन्चेंटमेंट है लियोर 3। और लियोर 3 का ये काम है कि आप ज्यादा तेजी तेजी से आप मछली पकड़ सकते हो, जहां पे एक फिशिंग नॉर्मल फिशिंग रॉड से आपको एक मिनट पे, मान लो मैं एक मिनट पे फिश कर मतलब फिशिंग कर रहा हूँ, तो आपको क्या 2 से 3 बार आप फिशिंग कर पाओगे। बट अगर आपने लियोर 3 को ऐड कर लिया होगा उससे क्या होगा, एक मिनट में पता नहीं यार 10 से 20 बार भी आप कर सकते हो फिशिंग, मतलब ये जो है इंक्रीज कर देता है। ये देखो जैसे मैंने रखा है, ये देखो फिश आ गया भाई, ऐसे करके उठा दिया, ये देखो मैंने फिर से रखा और ये देखो फिर से आ गया, ऐसे करके मैंने उठा दिया फिर से रखा और यहाँ पे फिर से आ गया, मतलब देख रहे हो ना कितनी तेजी के साथ यहाँ पे मैं फिशिंग कर पा रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे मैंने उठा लिया फिर से रखा, थोड़ी देर में ये जो है फिश फिर से आ जाएगी। ये देखो लियो 3 का यही काम है कि ज्यादा से ज्यादा ये तेजी के साथ आप इससे फिशिंग कर सकते हो। अगला तो और इंचेंट आप इस पे लगा सकते हो जो है मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3। अनब्रेकिंग 3 का काम ये है कि ये ज्यादा देर से ये टिकता बहुत है और ज्यादा तेजी से ये मतलब डैमेज नहीं हो जाता, और अगर डैमेज हो भी जाता है तो आप इस पे क्या करना, मेंडिंग लगा लेना और चले जाना किसी एक्सपी फार्म में, वहां पे जाके खड़े रहना, एक्सपी जो भी मिलेगा आपको वहां से ये रिपेयर होता रहेगा भाई। हो गया भाई इसी के साथ हमारे पास एक पावरफुल फिशिंग रॉड अभी तो, और मतलब इसको आप कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ज्यादा तो लोग करते नहीं है, बट चलो बता आप इस पे क्या क्या इंचेंटमेंट कर सकती हो। अरे तभी मैं सोचूं ये फ्लिकरिंग का है के लिए कर रहे हैं भाई। चलो अभी बात करते हैं शेयर पे। तो शेयर पे आप 3 इंचेंटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला है एफिशिएंसी 5, दूसरा है अनब्रेकिंग 3 और तीसरा है मेंडिंग। नॉर्मली भी अगर आपने इसको जाके पेड़ से लीव्स को तोड़ोगे तब भी आपको बहुत ही तेजी से मतलब लीव्स को तोड़ते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी 5 लगा लेने से ये और तेजी से तोड़ेगा भाई। आगे आप लगा लेना अनब्रेकिंग 3, क्योंकि नॉर्मली जो शेयर मतलब पेड़ के जो लीव्स है वो अगर आप तोड़ते हो तो देखना थोड़ी देर में वो जब टूट जाता है, लेकिन अनब्रेकिंग 3 से ऐसा नहीं होगा, ये बहुत देर तक टिकेगा और ये डैमेज हो जाता है तो भाई लगा लेना भाई मेंडिंग। ओके तो इसी के साथ शेयर का इंचेंटमेंट हो चुका है। एंड नाउ एक मतलब इसका मैं बताऊंगा पर मुझे हंसी आ रही है, इसको अगर आप इंचेंटमेंट कर सकते हो फ्लिंट एंड स्टील पे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे आप लगा सकते हो 2 इंचेंटमेंट, सबसे पहला तो है अनब्रेकिंग 3 और दूसरा है मेंडिंग। बेसिकली जो है इसको आप किसी मतलब आपके पास भर भर के कूड़ा अगर आपके पास हो चुका है तब आपके पास ये जो है फ्लिंट एंड स्टील बहुत काम में आता है। फालतू की चीजों को रख दो वहां पे एक जगह पे फेंक दो, वहां पे आग जला दो फ्लिंट एंड स्टील से जो है उसके बाद देखना वो जो है फालतू की चीजें गायब हो जाएगा। ओके तो गाइस इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है आर्मर और टूल्स का एन्चेंटमेंट। तो गाइस यहां पे हमारे पास हो चुका है आर्मर वो भी गॉड वाला, यहाँ पे हो चुका है वेपन वो भी गॉड वाला, और यहाँ पे हो चुका है टूल्स वो भी गॉड वाला। तो गाइस अगर आपने ऐसे करके एन्चेंटमेंट कर लोगे ना तो भैया आपके पास अगर कोई मॉब आता है और उसके बाद अगर आपको मारेगा ना वो तो 10 बार सोचेगा भाई। अगर आपने इसके बाद किसी मॉब को एक हिट मारा, एक थप्पड़ में मारा ना तो भैया वो दम तोड़ देगा उसी के इंस्टेंट के इंस्टेंट भैया दम तोड़ देगा। और हाँ मैंने जो है यहाँ पे वेपन्स के बारे में पूरा फुल बताया नहीं क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, बस मैंने जो है शॉर्ट पे ऊपर ही बात करा है। अगर आपको वेपन्स के ऊपर और जाना है, अगर आप वेपन्स को जो है गॉड वेपन बनाना चाहते हो, गॉड लेवल का बनाना चाहते हो, तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलो मैं मिलता हूं आपसे इसी के साथ ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।